नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 को शुरू हुए जल्द ही 6 महीने पूरे होने वाले हैं और शो को टॉप 7 कंटेस्टेंट्स मिल चुका है। शो के दौरान जज हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के साथ हर एपिसोड में आने वाले गेस्ट जज को कंटेस्टेंट्स की एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। शो के आने वाले एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का प्रमोशन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस दौरान रणवीर कपूर ने अपनी बेटी का एक किस्सा शेयर किया। इंडियन आइडल 13 के इस एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है। इंडियन आइडल 13 के शनिवार वाले होली स्पेशल एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के स्टार्स रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर पहुंचते हैं और जमकर शो में मस्ती होती है। शो के इस एपिसोड में सुपरस्टार सिंगर्स 2 के कंटेस्टेंट पहुंचते हैं। इस दौरान सुपरस्टार सिंगर्स 2 की कंटेस्टेंट बच्ची ने रणवीर कपूर से सवाल किया, जब आपकी दाढ़ी नहीं थी आप क्यूट लगते थे, अब आपकी दाढ़ी हो गई है तो आपकी बेबी को भी चुप्पी होगी। इस पर रणवीर कपूर ने जवाब दिया, मैंने ये दाढ़ी फिल्म के लिए बढ़ाई है। जब से मेरी बेटी राहा का जन्म हुआ है उसने मुझे सिर्फ इसी लुक में देखा है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी बेटी दाढ़ी से चुभेगी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि ये दाढ़ी हटाने के बाद मुझे पहचान पाएगी या नहीं। मेरी बेटी राहा मुझे सिर्फ आंखों में देखकर मुस्कुराती है और मैं मानता हूँ कि उसने मुझे मेरी आंखों के नीचे कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि ये मेरे क्लीन शेव लुक को भी पहचानने लग जाएगी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं पहचानती है तो मेरा दिल टूट जाएगा। इंडियन आइडल 13 में कंटेस्टेंट्स के सिंगिंग परफॉर्मेंस के साथ मस्ती होती रहती है। शो के होस्ट आदित्य नारायण हमेशा फनी माहौल बनाए रखते हैं। बताते चले कि शो के टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में ऋषि सिंह, शिवम सिंह, चिराग कोटवाल, देवोश्मिता राय, संजुति दास, विदिप्ता चक्रवर्ती और सोनाक्षी कर बच्चे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस के भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।